स्वागत है यार सभी का मेरी को नई वीडियो में। मेरा नाम है मंदीप और आज जो है पार्ट टू होने वाला है। जो चना में स्प्रे अपन ने की थी ना, तो उसका पार्ट टू होने वाला है। तो इस बार जो अपन है ताल में से पानी डायरेक्ट भर के स्प्रे करेंगे, ट्रॉली जो है नहीं पड़ेगी वहाँ पे, अपने पास जो है ताल पर्याप्त है। तो भाइयों वीडियो हमारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो जो है आपको देखने को मिलती रहेंगी। और अब आगे आने वाली सीरीज में थ्रेसर, सरसों वगैरह, मसूर वगैरह इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर ट्रैक्टर अपना चलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाइयों तब तक ही देखिए आप वीडियो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई यहाँ पे दवाई की स्प्रे हो रही है। उम्मीद भाई साहब जो है दवाई की स्प्रे कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पंप से। अभी दिखाते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे आधे खेत से जाके। जे हिन्नी ने क्या करा है। तो जे भाई हिरन वगैरह नुकसान किया यहाँ पे बैठक होंगी। और चना जो है वो आने लगा है, पकने की तैयारी है पूरी। 10 दिन में लगभग चना जो अपना पक जाएगा। अब डबल मोटर चला जितने पे ही चलाओ तो नेक चलाई डबल चला जी नेक। हाँ बढ़ेगा बहुत। डबल मोटर प्रेशर ज़्यादा है इसमें, दोनों फंक्शन है पंप में, सिंगल मोटर डबल मोटर। तो भाई ये अपनी वीडियो को जो है पार्ट टू है, जो चना में स्प्रे हो रही है। इसमें थोड़ा क्या है, पानी बरसने के बाद चना दोबारा होगा था, जिसमें अभी देखिए आप फूल ही फूल है इसमें। इसमें अभी जो है घेंटी नहीं बनी है, तो उसमें लेकिन घेंटी आ जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा। अपन ने स्प्रे भी कर दी है तो और ज़्यादा आई हो। ये है पहले का, इसमें घेंटी आई, देखिए आप इसमें घेंटी है। ये पहले का चना है जो अपन ने उड़ाई की थी उसका, ऐसा कुछ सिस्टम है। और उस खेत का आपको दिखाते हैं, उस खेत में भी चना अच्छा है काफ़ी। अभी पूरे में जो है बदबू आ रही है यहाँ पे, क्योंकि स्प्रे हो रही है इस वजह से खेत में। तो ये है चना, ये देखिए आप, मस्त मस्त हो रहा हो गए, पूरा एकदम पीला पड़ गया खेत। तो हो रहा जिसको खाने हैं वो आ सकता है हमारे पास, बढ़िया भूंज के बाकायदा खिलाएंगे। ये देखिए हो रहा है, अच्छी बूट वगैरह अच्छी लगी हुई है यहाँ पे, काफ़ी हुरा वगैरह हो गए। और इसके बाद भी चना है। अभी गेहूँ में जो है पानी चल रहा है, तो ये इस वाला खेत तो भर गया, उस वाले में पानी चल रहा है अभी, तो वो भी आपको चल के दिखाते हैं। इस पर मैंने आपको दिखाई दी, और आपको चल के दिखाते हैं मसूर का खेत, मसूर जो है कैसी है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मसूर दिखाओ, तो मसूर भी आपको दिखाते हैं मसूर कैसी है। इसकी फ्रूटिंग देखिए आप, ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग। अब चलते हैं मसूर के खेत पे। ताल है यहाँ पे और अभी काफ़ी खाली हो चुका है, देखिए आप, क्योंकि पानी वगैरह यहाँ पे लग चुका है। गेहूँ वहाँ सामने चल रहा है, गेहूँ पानी लग रहा है, ये देखिए। तो वहाँ पे गेहूँ में पानी चल, अभी तो बोर चल रहा है फिलहाल, ताल नहीं चल रहा है। ये इंजन है, इंजन से जो है सप्लाई होती है पानी की। और इस साड़ी है मसूर, मसूर भी जो है पकने को आई, लगभग 5 या 6 दिन और लगेंगे और मसूर अपनी कंप्लीट पक जाएगी। देखिए आप, तो मिलते हैं भाई आपसे गेहूँ खेत में जाके और दिखाते हैं आपको गेहूँ में पानी कैसे क्या चल रहा है।